का स्वागत है। कक्षा 11 के भौतिकी विज्ञान के संदर्भ में आज हम लोग फिजिक्स की मूलभूत आवश्यकता के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। बड़ा ही अच्छा विषय माना जाता है भौतिकी विज्ञान, और इसकी कई शाखाएं भी हैं। और आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि भौतिकी विज्ञान की उत्पत्ति जिस संदर्भ में हुई या जिस संदर्भ में हम इसकी स्टडी करते हैं, वो वाकई वैज्ञानिकता की ओर हमको ले जाता है। कहाँ ले जाएगा? वैज्ञानिकता की ओर। अर्थात जब आप इस प्रकार के विषयों का अध्ययन या अध्यापन करते हैं, एक प्रकार से अंधविश्वास से आपको मुक्ति मिल जाती है। जैसे आइंस्टीन की एक बात हमको याद आती है, आइंस्टीन हमेशा कहा करता था कि धर्म अंधा होता है और विज्ञान लंगड़ा। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, धर्म अंधा होता है। देखिए, ये सब इतने अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं कि जिनको हमको जरूर पढ़ना चाहिए, खासकर बोर्ड के विद्यार्थियों को इनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जिससे आपके तमाम प्रकार के अंधविश्वास समाप्त हो जाएंगे। तो धर्म अंधा होता है और विज्ञान लंगड़ा होता है। इस बात पर चर्चा हम करेंगे, और उसी के साथ साथ हम इस पहलू पर पहुंच पाएंगे कि वैज्ञानिकता अर्थात साइंटिफिकता जो होती है, खासकर आज के युग में बहुत आवश्यकता है। जैसा कि बच्चों इस समय आप जान रहे हैं, मनोवैज्ञानिक आधार से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में या डिप्रेशन में हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और आप समझ रहे हैं इन समस्याओं को। बड़ी जटिल समस्याएँ पूरे विश्व में आ गई हैं। तो जब विश्व की ओर या विश्व पे कोई बहुत बड़ी समस्या आती है, तो उसका समाधान विज्ञान ही करता है। हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही इसका समाधान होता आया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको बड़े सावधानी पूर्वक, बड़ी ही सहजता से इस महामारी का सामना करेंगे। और वही विज्ञान भी बताता है, विज्ञान में हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हमें वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इस महामारी बीमारी का सामना करते हुए अपने समस्त कार्यों को पूरा करना है। तो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटना जो होती है, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वाक्य पे पहले हम देख लेते हैं, धर्म अंधा होता है विज्ञान लंगड़ा। तो अंधा होना थोड़ा गड़बड़ काम है। अंधा हो जाएंगे तो आप संसार की तमाम प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं या जो भी समाज में घटनाएं घटित हो रही, उसका वो आप उसको देख नहीं पाएंगे। लंगड़ा रहेंगे तो चल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कहने का तात्पर्य हमारा कुछ नहीं है, ये साइंटिस्ट ने कहा था और इन्होंने यही कहा था कि आप लंगड़ा बन जाइए वो ठीक है, लेकिन अंधा मत बनिए। इसलिए धर्म अंधा होता है और विज्ञान लंगड़ा माना गया है, ठीक। अगर आप लंगड़े हैं तो देख के चल सकते हैं, लेकिन आप अंधे हैं ना, तो आपके पास अच्छा पैर होगा फिर भी आप नहीं चल पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि विज्ञान, इसीलिए भौतिक विज्ञान तो खासकर इसीलिए साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलता है, सारी चीजें साइंटिफिक में आती है। जैसे आप रोड पर चल रहे हैं, समझ लीजिएगा विषय की गहनता को समझा रहे हैं, वैज्ञानिकता को बता रहे हैं। अभी तो इसमें कोई टॉपिक ऐसा आया नहीं कि आपकी 11 की फिजिक्स शुरू होगी, इसमें सिर्फ वैज्ञानिकता की बात की जा रही है कि वैज्ञानिकता क्या होती है। जैसे आप रोड पर चल रहे हैं, आप अंधे हैं, आप सड़क पर चल रहे हैं, आप अंधे हैं, ठीक है, और कोई गाड़ी आ रही है, 4-व्हीलर 2-व्हीलर आ रही है, और अगर वो हॉर्न बजा रहा है तो आप किधर जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक हो गई कि नहीं हो गई? अगर यही एक लंगड़ा आदमी जा रहा है और वही गाड़ी उधर से आ रही है, तो क्या बताइए उस लंगड़े आदमी का एक्सीडेंट ये जरूरी है कि हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? लंगड़ा रुक जाएगा, रोड है, सड़क है, देख के क्रॉस करेगा। इसलिए आंख होना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी विद्यार्थी, चाहे जिस क्लास का हो, अगर वो विज्ञान पढ़ रहा है, सबके लिए यह जरूरी है, लेकिन आज का समाज जो है उस पर थोड़ा सा दृष्टिकोण नहीं डाल पाता है। इसलिए सबको विज्ञान पढ़ना चाहिए, सबको विज्ञान के साथ चलना चाहिए। ये हम नहीं कहते हैं, आधुनिक आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, और आइंस्टाइन का नाम ही भौतिकी विज्ञान से जुड़ा है। उसको भी हम अभी देखने चल रहे हैं, IEINST और EIN। देखिए, ये भौतिकी विज्ञान की इंट्रो क्लास है। इंट्रो क्लास में पहले हम आइंस्टीन को पढ़ते हैं, पढ़ना न्यूटन को चाहिए, आप जानते हैं न्यूटन को पिता माना जाता है, लेकिन हम यहाँ आइंस्टीन को ही बताएंगे, क्योंकि आधुनिक भौतिकी जगत में किसी ने एक क्रांति लाई थी,
तो क्रांति अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाई थी। इसलिए आइंस्टीन का मतलब पहले हम समझेंगे, ई आई एन और ई आई एन इट मीन्स, देखिए ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, क्लियर। और ऊर्जा कंजर्वेशन करने का नियम ही कहता है, और ये जो दो वर्ड आप देख रहे हैं एस और टी, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, यह स्पेस और टाइम सारी चीजें ये सबको नहीं मिलती है, ये जान लीजिएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को बहुत वर्क करने के पश्चात ही कुछ ज्ञान मिल पाता है, ये सब के भाग्य में नहीं होता। स्पेस और टाइम अर्थात देखिए इसी से एक थियरी इनकी बनती है, उस थियरी का नाम है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। यहां इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, उच्च कक्षाओं में इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर इसकी थोड़ी सी चर्चा की जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं। और इसी थियरी को उन्होंने आइंस्टीन साहब ने खोजने का प्रयास बड़े अच्छे ढंग से किया था, और इनको नोबेल पुरस्कार मिलता 1905 में है, लेकिन इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला 1905 में बड़े साधारण से नियम के लिए मिला था, जिसको इन्होंने स्वीकार कम किया था। 1921 में जब इनकी थियरी आई थी तो लगभग 150-200 साल लग गए थे समझने में, डेढ़ दो सौ साल आप लगा सकते हैं। आप सोचेंगे सर 150-200 साल का मतलब क्या है, ये 19वीं सेंचुरी की बात है, और आज 2021 चल रहा है, तो आप देखेंगे लगभग 100-150 साल तक आज भी इस थियरी को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। इसलिए इस थियरी पर किसी ने काम किया, एक और भौतिक विज्ञान के बहुत ही महान वैज्ञानिक, ठीक है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, उन वैज्ञानिक का नाम है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस। बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं, खासकर अगर आइंस्टीन के बाद कोई वैज्ञानिक हुआ तो उस वैज्ञानिक का नाम स्टीफन हॉकिंस माना जाता है। कारण यह है कि इस व्यक्ति के अंदर, या आप कह सकते हैं यह एक ऐसा हीरो आधुनिक जगत में उत्पन्न हुआ जिसके आगे तमाम प्रकार की परिभाषाएं फेल हो गई, तमाम प्रकार के नियम इन्होंने उसको एकदम से उन नियमों को समाप्त कर दिया। कारण क्या था? कारण यह है कि स्टीफन्स की कहानी उतनी ही रोचक है जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। इन्होंने मृत्यु से जंग लड़ी, ऐसा कह पाना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन अगर आप एक दृष्टि से देखिए, दार्शनिक दृष्टि से देखिए, तो निश्चित रूप से स्टीफन्स ये एक भूगर्भ विज्ञान के वैज्ञानिक थे, उसके बाद इन्होंने तमाम प्रकार के शोध किए, और इनकी एक थियरी आती है, इसी थियरी से संबंधित आती है जो आइंस्टीन की थियरी थी। अब सोच सकते हैं आप 1905 के आसपास इन्हें फोटोइलेक्ट्रिक पर नोबेल पुरस्कार मिला, 1921 में उनकी थियरी आगे बढ़ी, लेकिन इनके नाम में इनकी थियरी खुद एड है, लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन जानते रहिएगा आइंस्टीन के नाम में ही आइंस्टीन की सबसे बड़ी थियरी लगी हुई है। वह थियरी है क्या? स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बच्चों सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए थोड़ा सा मैं इसका वर्णन कर रहा हूं, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है, लेकिन जरूरी हो जाता है कि जब हम पढ़ना शुरू करें तो हमारे अंदर वैज्ञानिकता का अभाव न हो। आज तमाम प्रकार की समस्याएं वैज्ञानिकता के अभाव में ही देखी जाती हैं। खासकर ग्रामीण परिवेश हमारा बहुत उत्तम रहा है, लेकिन वैज्ञानिकता की कमी के कारण तमाम प्रकार के अंधविश्वास में हम जुड़कर, ठीक है, और तमाम प्रकार के अंधविश्वास में रहकर हम विज्ञान के बताए गए सिद्धांतों का पालन नहीं करते। इसलिए छोटी सी इंट्रो की क्लास जो मैं दे रहा हूँ, यह क्लास आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आगे जो भी फिजिक्स चलेगी या जो फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, उस फिजिक्स के बारे में भी चर्चा की जाएगी, और लगातार आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टीफन हॉकिंस की अगर 2-4 मिनट बात हो जाए तो अच्छा लगेगा हमको भी, और आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। कारण क्या है कि आज जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज पर इन लोगों का प्रभाव देखा जाता है। और अमेरिका की बात अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा लेख हमने स्टीफन हॉकिंस का एक बार पढ़ा था, अभी बहुत समय नहीं हुआ है इनको समाप्त हुए, एक ही 1.5 साल लगभग हुआ है,
अभी ये आधुनिक जगत के जब इनका एक स्टेटमेंट आता था तो पूरे विज्ञान जगत में भूचाल आ जाता था। ये पहले ही कह चुके हैं कि भारत का जो समाज है, भारत कहने पूरे विश्व को इन्होंने चेतावनी दिया था कि लगभग हम जान लीजिए कि दो हमारा 2000 ये चल रहा है 21वीं सेंचुरी में संपूर्ण भारत नष्ट हो सकता। संपूर्ण भारत की बात मत करिए, पूरे विश्व को इन्होंने चेतावनी दिया था। जिस तरीके से धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा था, उस टेम्परेचर को मानते हुए इन्होंने एक आधुनिक सिद्धांत दिया। उस समय इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जितने भी लोग इस धरती वाले ग्रह पर रह रहे हैं, अर्थ पर जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के लिए तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी। आप अब अनुमान लगा सकते हैं कि अगर स्टीफन के पुराने लेख आप पढ़िए तो जो कोरोना आप इस समय चल रहा है, अगर आप इनको उससे थोड़ा सा जोड़ कर देखिए तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे स्टीफन हॉकिंस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले ही इसकी चेतावनी दे दिया था। मैं ये नहीं कहता हूं कि देखिए स्टीफन हॉकिंस ने कह दिया था कोरोना आएगा, कोरोना जैसा कोई नाम नहीं था, लेकिन इन्होंने एक पूरे विश्व को एक ऐसी बात बताई थी कि ये कैसे वायरस या एक तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं प्रकृति में घटित होंगी जिससे संपूर्ण विश्व प्रभावित होगा। और आज अगर हम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरा विश्व प्रभावित है इस कोरोना काल से, ऐसा कुछ है नहीं। अगर स्टीफन ने जो चेतावनी दी थी समय रहते, तमाम प्रकार के लोग अगर इस पर थोड़ा सा भी गौर करते तो निश्चित रूप से जो समस्या सबको हो रही है उस समस्या का समाधान थोड़ा बहुत किया जा सकता है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है जो आप देख रहे हैं न दवा बन पा रही है, सिर्फ हमारे कुछ कोरोना योद्धा उस पर युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, आप भी सावधानी पूर्वक जो 2 गज की दूरी और मास्क और तमाम चीज़ें सावधानी में हैं उसका पालन करते हुए आगे बढ़िए। लेकिन स्टीफन ने एक सीधी सी बात कही थी, लगभग आप जान लीजिए कि 2-3 साल पहले की बात है, इन्होंने एक लेख लिखा था। उस लेख में भी इन्होंने उसका कोरोना का वर्णन नहीं किया था, लेकिन आप समस्या का वर्णन इन्होंने जरूर किया था। एक बार नहीं, कई बार इन्होंने कई समस्याओं का वर्णन किया था। और ये कैसे वैज्ञानिक थे जिन्हें एक ऐसी बीमारी थी, उस बीमारी से ये याद रखिएगा, इन्हें एक ऐसी बीमारी थी कि इनको पूरे डॉक्टर जो पूरा मेडिकल साइंस होता है उसने कह दिया था कि आप 2 साल में मर जाएंगे। लेकिन इनकी एक ऐसी अपनी जीवन जीने की जिज्ञासा, जिसको कहते हैं बच्चों जीवन जीने की जिज्ञासा, इतनी महत्वपूर्ण थी, इतनी मजबूत इनकी टेंडेंसी थी, इनकी संभावना इतनी अच्छी थी, ये कभी हार न मानने वाले योद्धा थे। तो इन्होंने क्या किया था, उस बीमारी से भी युद्ध लड़ा था। और लगभग 50 साल आप जानते हैं, कभी आप इनका वीडियो आप देख सकते हैं या इनके बारे में आप जब देखेंगे थोड़ा बहुत तो आप देखेंगे एक सीधी सी कुर्सी में लगभग 40-50 साल इन्होंने कुर्सी पर ही जीवन व्यतीत किया था। यहाँ तक कि आप अगर इनके बारे में जानेंगे सुनेंगे तो इनके शरीर के प्रत्येक अंग से मस्तिष्क को छोड़ दीजिए, ये कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, ये हकीकत की कहानी है। ये कोई जादू और ये वो कहा नहीं जाता है, कुछ तरीके की कथा नहीं है, कथा पे मत जाइएगा, ये कथा नहीं है, ये वास्तविक वैज्ञानिक के साथ हुई घटना जिसके साक्ष अमेरिका में आज भी मिलते हैं। अमेरिका विश्वविद्यालय अमेरिका में और तमाम प्रकार के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में इनका लेख चलता है। इतने साइंटिफिक व्यक्ति मैं जानता हूं कि हमारे जीवन काल में तो नहीं दिखाई देने वाले हैं, आगे तमाम प्रकार के वैज्ञानिक होते रहेंगे, ईश्वर है, तमाम प्रकार का दिमाग आता जाता रहता है। लेकिन स्टीफन्स ने एक नई दिशा विज्ञान को दिया और इन्होंने उस बीमारी से 50 साल एक कुर्सी पर अपना जीवन व्यतीत किया। यहाँ तक कि जब इनकी मृत्यु होती है उसके 1-2 दिन पहले इन्होंने कहा, मैं अब मरने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने जीवन की यात्रा पे जा रहा हूँ। बहुत साइंटिफिक अप्रोच था, इस पर बहुत से कम लोग सोच पाते हैं, बहुत से कम लोग जान पाते हैं। तो जीवन की यह कल्पना स्टीफन हॉकिंस के साथ शुरू हुई और स्टीफन हॉकिंस से के देहांत के बाद भी समाप्त हो गई। मेरा बताने का मतलब यह है कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में भी जानना अति आवश्यक हो जाता है जो सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकता को महत्व देते हैं, अंधविश्वास को महत्व नहीं देते। और विज्ञान का जो मूल हमारा गौण विषय है वो यही हमें बताता है कि हम वैज्ञानिकता के साथ अपने जीवन को जिए, न कि अंधविश्वास के साथ चलें। और प्रकृति का ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम साइंटिफिक रूप से किसी भी चीज़ के किसी भी वस्तु के बारे में सोचते हैं। भौतिक विज्ञान में आप प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए स्टीफन हॉकिंस हम बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, स्वयं कहते थे हमारी अगर कोई प्रशंसा करे तो वो अच्छा हो नहीं सकता, समझ रहे हैं इस बात को। इन्होंने स्वयं कहा था कि मेरी कोई प्रशंसा करे तो आदमी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको सिर्फ इनसे एक मोटिवेशनल कहा जाए, जैसे आप मोटी होना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसे जैसे हमारे यहाँ भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी रहे हैं, आप इन लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, जिससे आपको एक लक्ष्य एक गोल निर्धारित करने की कला प्राप्त होगी। तो स्टीफन्स की एक किताब है, उसका नाम भी हम आपको बता दे रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है उसकी
किताब के बारे में भी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उस किताब का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। यह एक ऐसी किताब थी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अमेरिका में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत बिकने वाली किताब थी उस समय। उस किताब का नाम था, याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्टीफन हॉकिंस का विज्ञान है तो उसमें पूछा जा सकता है, आप जानते रहेंगे। स्टीफन हॉकिंस की एक बुक थी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। टाइम नहीं लिखे हैं, टाइम को भी आप नोट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी बुक है? यह बुक है आपकी स्टीफन हॉकिंस की, जिसमें उन्होंने समय के संक्षिप्त इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्रदान किए। और आगे हम चलेंगे अब भौतिक विज्ञान की ओर, जितना थोड़ा बहुत जानकारी थी वो आपको प्रदान किए स्टीफन के बारे में। इस किताब का नाम आप जानते रहिए, कभी कभी मैं स्वयं टेस्ट पेपर में डाल देता हूँ कि अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी किताब है, तो उसमें आपको हो सकते हैं 3-4 वैज्ञानिकों के नाम दिए रहेंगे, लेकिन आप जानते रहिएगा वो वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक हैं। वो वैज्ञानिक हमारे स्टीफन हॉकिंस महोदय थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी वैज्ञानिकता के साथ भौतिकी विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। इंट्रो क्लास थी।